वन आई एम प्रियंका एंड वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे हो आप सब आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे सो गाइज़ आज हम एक्सप्लोर करने वाले मुंबई का फेमस दादाश्री शॉपिंग मार्केट गाइज़ ये वीडियो पार्ट वन का कंटिन्यूशन है मैंने ऑलरेडी पार्ट वन मेरे चैनल पर अपलोड कर दिया है सो so अगर अभी तक वो आपने चेक नहीं किया तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी सो so प्लीज़ एक बार जरूर चेकआउट करना तो so चलो जानते हैं इस मार्केट में रीच कैसे होना है आप लोकल ट्रेन पकड़ कर दादा स्टेशन आ जाओ एंड वहाँ से आपको वेस्ट के साइड एग्जिट लेनी है जैसे आप स्टेशन के बाहर आओगे ना आपको सुविधा करके दिखेगा बस वही लेन आपको यहाँ पे एंड तक आना है जहाँ पे आपको चौरस्ता दिखेगा एंड ये जो पानेरी शोरूम दिख रही है ना उसके जस्ट सामने आपको टाइटन के एक शोरूम दिखेगी यहाँ नीचे से पूरा मार्केट लगना शुरू हो जाता है सो मैंने ऑलरेडी एक साइड का एक्सप्लोर कर दिया और अभी लेफ़्ट साइड का एक्सप्लोर करते हैं सो गाइस अलका जो वस्त्रालय है ना उनके बाहर आप सबका फेवरेट स्टॉल है मुझे लास्ट वीडियो में इतने सारे क्वेश्चन आए थे कि प्लीज़ क्रोशिया टॉप्स के नंबर प्रोवाइड कीजिए इस स्टॉल का नंबर प्रोवाइड कीजिए तो गाइस मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका नंबर दे दूँगी सो so, एक बार ज़रूर चेक कर लेना इनके यहाँ पे आपको टॉप्स मिल जाएंगे स्टार्टिंग फ्रॉम द रेंज ऑफ 250 से लेकर 350 तक इनके पास कॉटन मटेरियल के क्रॉप टॉप्स बहुत सुंदर सुंदर मिलने वाले हैं प्लस यहाँ पे आपको क्रोशिया टॉप्स दिखेंगे वो भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया अगर आपको कुछ ब्लैक एंड वाइट में चाहिए तो आपको ये बहुत अच्छा लगेगा अगर आपको फ्रंट बटन्स में चाहिए तो ऐसे टॉप्स भी आपके मिल जाएंगे कॉलर वाला चाहिए विद पॉकेट्स तो यहाँ पे हर एक वैरायटी में मुझे क्रोशिया टॉप दिखा जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थे जैसे ये ग्रीन वाला भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा था इनके पास आपको हर वैरायटी का क्रोशिया टॉप मिल जाएगा इनके पास बाकी दूसरे टॉप्स भी है जैसे अभी मैं जो भी आपको दिखा रही हूँ ना इनमें सारे मिक्स टॉप्स थे और इनकी प्राइस टू से लेकर थ्री के रेंज में थी कोई स्लीवलेस थे कोई स्ट्रैपी थे कोई थ्री फोर स्लीव्स वाले थे कोई क्रॉप टॉप्स थे कोई लॉन्ग टॉप्स थे तो अलग अलग वैरायटी थी इनके पास सैटिन में कॉटन में हर मटेरियल में आपको यहाँ पे टॉप्स मिल जाएंगे नेक्स्ट अगर आपको कुछ ऐसे शर्ट पैटर्न में चाहिए स्लीवलेस में शॉर्ट स्लीव्स में या फिर फुल स्लीव्स में तो आपको यहाँ पे वो कलेक्शन भी देखने को मिल जाएगा बट मुझे यहाँ पे पर्सनली इनके क्रोशिया के टॉप्स बहुत ही ज़्यादा पसंद आए एंड इनके जो फैंसी क्रॉप टॉप्स थे ना वो भी बहुत ही ज़्यादा प्रटी थे नेक्स्ट काइज आपको यहाँ पे कुर्ता सेट्स वगैरह हो गए जैकेट प्लाजो सेट वगैरह हो गया तो ये सारी वैरायटी भी देखने को मिल जाएगी ये स्टॉल जस्ट क्रोशिया वाले स्टॉल के जस्ट पास में ही लगा हुआ था और इनके यहाँ प्राइस रेंज चालू होती है सिर्फ़ और सिर्फ एट हंड्रेड से नेक्स्ट ये है जया नाइटीज अगर आप अपने लिए नाइटी देख रहे हो या अपनी मम्मी के लिए या किसी के लिए भी देन गाइस एक बार जया नाइटीज ज़रूर विजिट करना इनके पास आपको हर एक वेराइटी की नाइटी मिल जाएगी प्राइस रेंज इनकी बहुत ही ज़्यादा कम है मैं स्क्रीन पे इनकी प्राइस मेंशन भी कर दूँगी सो एक बार ज़रूर चेक करना एंड गाइस इनके पास ना आपको हर तरह की वैरायटी की नाइटी मिल जाएगी और इनकी नाइटी की इन चालू होते सिर्फ और सिर्फ वन सेवेंटी रुपीज़ से यहाँ पे आपको जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जाएगा ना वैसे वैसे नाइटीज की क्वालिटी और बढ़ती जाएगी बट ट्रस्ट मी मुझे यहाँ पर आपको बहुत सुंदर कलेक्शन दिखा जैसे टॉप्स का हो गया अगर आपको कॉटन टॉप्स चाहिए बाहर स्ट्रीट शॉपिंग से कंपेयर करें ना तो यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा कम रेंज में देखने को मिलते इनमें वैरायटी इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं होती आई मीन कलर ऑप्शन इतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं होते जो भी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं अगर आप उनमें से लेते हो ना तो अगर बाहर आप टू फिफ्टी पे कर रहे होंगे तो यहाँ पे आपको सिर्फ़ और सिर्फ टू हंड्रेड पे करने हैं वेराइटी बहुत ज़्यादा है कलेक्शन भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे आपको नाइटीज़ मिल जाती है क्रॉप टॉप्स में देखने को मिल जाते हैं चिकनकारी कुर्तीज़ देखने को मिल जाएगी शॉर्ट और लॉन्ग दोनों एंड नाइटीज़ का तो यहाँ पे भंडार है मतलब इतनी सुंदर सुंदर नाइटीज़ मुझे यहाँ पे देखने को मिली थी ना ये सारे जो भी मैं आपको कुर्तीज़ दिखा रही हूँ ना ये थ्री फिफ्टी रुपीज़ इनकी प्राइस थी ये सारी आपको विद लाइनिंग प्रोवाइड होती है मींस आपको अंदर एक लाइनिंग मिल जाता है एंड नाइटीज़ की तो आप कलेक्शन खुद ही देख लो हर वैरायटी की नाइटी आपको यहाँ पे मिल जाएगी सो so, अगर आप दादर वेस्ट मार्केट एक बार विज़िट कर रहे हो ना तो एक बार ये स्टॉल ज़रूर चेकआउट करना मुझे अच्छा लगा आई होप आपको भी ये स्टॉल बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे जैसे ये सारे क्रोशिया टॉप्स बार मार्केट में थ्री थ्री फिफ्टी प्राइस फ़िक्स होती है यहाँ पे आपको ये भी सारे टू फिफ्टी थ्री हंड्रेड के रेंज में मिल जाते हैं बहुत वेराइटी थी वन पीस आपको यहाँ पर मिल जाता है वो भी सिर्फ और सिर्फ टू टू हंड्रेड में आई I मीन mean, इतनी कम प्राइस ना आपको सिर्फ दादा मार्केट में मिलने को देखने को मिलेगी नेक्स्ट अगर आप अपने लिए कुछ सीक्वेंस के ड्रेसेस देख रहे हो ना तो ये भी आपको जया नाइटीज में मिल जाएंगे नेक्स्ट यहाँ पे पूरे लेन में इस साइड ना आपको कुर्ता सेट्स और लहंगे देखने को मिलेंगे आई I मीन mean, इस पूरे लेन में ना आपको एक से एक कुर्ते सेट्स मिल जाते हैं जिनकी प्राइसिंग चालू होती है सिर्फ और सिक्स सिक्स फिफ्टी से एंड लहंगों का कलेक्शन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है जिनकी प्राइसिंग चालू होती है ट्वेल्व हंड्रेड से तो ये सारे आपको आ, अनारकली ड्रेसेस देखने को मिल जाएंगे फ्लेयर वाले ड्रेसेस देखने को मिल जाएंगे नेक्स्ट ये है हिंदुस्तान वॉच कंपनी यहाँ पे आपको जो वन पीस दिखने देखने को मिल रहे हैं ना ये सारे के सारे प्रीमियम क्वालिटी के वन पीस थे आई I मीन mean, इनका मटेरियल वगैरह स्टिचिंग सब कुछ इतना परफेक्ट था और इनकी प्राइसिंग चालू होती है सिर्फ और सिर्फ सेवन हंड्रेड से इनके पास आपको वेलवेट में जॉर्जेट में शिफॉन में हर एक मटेरियल में आपको यहाँ पे वन पीस देखने को मिल जाएगा व वेलवेड का जो कलेक्शन था ना उसमें आपको स्ट्रैप ही चाहिए या फिर फुली फुल स्लीव्स चाहिए अलग अलग वेराइटी थी और जो नीचे आपको लटकते हुए दिख रहे हैं ना उनकी प्राइस फिक्स थी थ्री फिफ्टी ये सारे वो ड्रेसेस ना किन किन के साथ पॉक वॉलेट आया हुआ था जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं एक्स्ट कई से आपको हर स्टॉल में ना ऑलमोस्ट सिमिलर स्टॉक दिखेगा अगर आपको यहाँ पर प्राइस रेंज नहीं जम रहा है तो आप कहीं और ट्राई कर सकते हो प्राइस रेंज वही रहने वाला है थोड़ा बहुत फ़र्क होगा सो so आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्केट एक्सप्लोर करते करते चेक कर सकते हो नेक्स्ट गाइस अगर आप अपने लिए वन पीस देख रहे हो ना लॉन्ग फुल गाउन हो गया वन पीस हो गया देन प्लीज़ ये एक बार ज़रूर चेक करना इनके पास इतने सुंदर सुंदर लॉन्ग गाउन्स मिलने देखने को मिलेंगे ना प्राइस रेंज की बात करें तो इनकी रेंज चालू होती है सिर्फ और सिर्फ थाउजेंड से कला ऑप्शंस मिल जाते हैं वेराइटी मिल जाती है स्ट्रेचबल फैब्रिक रहता है इनका वेलवेट में भी बहुत सुंदर ऑप्शन है स्लीवलेस में स्लीव्स में स्ट्रैपी में बहुत ही वैरायटी थी अभी जो मैं आपको ये सारे ड्रेसेस दिखा रही हूँ ना ये सारे कॉट सेट से मीन I mean, नीचे प्लाजो मिल जाता है ऊपर आपको क्रॉप टॉप मिल जाता है इनकी प्राइसिंग चालू होती है सिर्फ और सिर्फ एट हंड्रेड से एंड जो बाकी के ड्रेसेस हैं उनकी प्राइसिंग चालू होती है सिर्फ़ और सिर्फ सिक्स हंड्रेड रुपीज़ से कलेक्शन वैरायटी इस मार्केट में आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलने वाली है नेक्स्ट अभी जो मैं आपको थ्री पीस कुर्ता सेट दिखा रही हूँ ना इनकी प्राइस रेंज चालू होती है सिक्स सिक्स फिफ्टी से स्लीवलेस में आपको कुछ जो अगर हैंडवर्क में चाहिए तो यहाँ पर हैंडवर्क भी अवेलेबल है दुपट्टा ऑलमोस्ट सबका सिमिलर ही रहता है बस कलर डिफरेंस रहता है और जो इसको एक्जैक्टली exactly क्या बोलते हैं मेरे को नहीं मालूम उपाडा सिल्क की क्या आई डोंट नो बट वैसा ही दुपट्टा रहता है इनके पास नेक्स्ट का इस जो भी मैं आपको वन पीस दिखा रही हूँ आई मीन लॉन्ग गाउन्स दिखा रही हूँ ना लॉन्ग वन पीस बोल सकते हो आप इन्हें और इनकी प्राइस रेंज एज यूशल चालू होते सिर्फ़ और सिर्फ एट हंड्रेड रुपीज़ से नेक्स्ट ये सारे जो भी आपको टॉप शर्ट्स दिख रहे हैं ना अंदर आपको स्पेगिटी मिल जाती है ऊपर आपको जैकेट मिल जाता है और इन के पास वराइटी बहुत ज़्यादा थी प्राइस रेंज की बात करें तो इनकी प्राइस सिर्फ और सिर्फ टू थी नेक्स्ट गाइस इस यहाँ पर आपको नाइटीज़ के स्टॉल्स भी देखने को मिल जाएंगे या फिर आपको नाइटी सिर्फ सिंपल नाइटी नहीं मिलने वाली उसमें आपको वर्क मिलता है जैसे मिरर वर्क हो गया ट्रेड वर्क हो गया तो अलग अलग वैरायटी होती है सीक्वेंस हो गया एंड नाइटीज़ में वैरायटी की बात करें तो अगर आपको बटन्स वाला चाहिए चेन वाला चाहिए तो ऐसे अलग अलग वेराइटी आ जाती है तो उसके अकॉर्डिंग प्राइस भी रहता है नेक्स्ट ये सारे लहंगे आपको इस मार्केट में मिलेंगे दादर मार्केट आप पूरा घूम लो लेकिन टाइटन की जो ये वाली लेन है ना सिर्फ इसी लेन में आपको लहंगों का कलेक्शन देखने को मिलेगा बाकी कहीं देखने को नहीं मिलेगा ये बात आप हमेशा याद रखना गाइस एंड इन लहंगों की प्राइस रेंज की बात करें तो इनकी प्राइस रेंज चालू हो जाती है फिफ्टीन हंड्रेड से एंड गाइस इस मार्केट में आपको बार्गेन करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है क्योंकि यहाँ पे प्राइस आपको बहुत ज़्यादा कोट करेंगे बट आप अपनी बार्गेनिंग स्किल्स यहाँ पे यूज़ करके बहुत ही अच्छे रीज़नेबल प्राइस पे यहाँ से शॉपिंग कर सकते हो वेराइटी मार्केट में बहुत है लड़कियों के रिलेटेड तो ना इतने ज़्यादा सुंदर सुंदर कपड़े इस मार्केट में मिलेंगे ना आपको जैसे शरारा सेट हो गया प्लाजो सेट हो गया थ्री पीस कुर्ता सेट हो गया हर एक वेराइटी आपको यहाँ पर मिलेगी प्लस यहाँ पर आपको प्लांट्स देखने को मिलेंगे मुझे ना प्लान्ट बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं जब भी आती हूँ ना तो एक बार चेक ज़रूर करती हूँ निक्स साई कृपा के वहाँ पे भी आपको लहंगों का कलेक्शन देखने को मिल जाएगा इनके ऊपर ना सारे लहंगों के ऊपर ना मिरर है फॉयल मिरर नहीं एक्चुअल मिरर लगा हुआ है तो आप वैसा पिक कर सकते हो या फिर आपको फॉयल मिरर वाला चाहिए या फिर सीक्वेंस वाला चाहिए हैंडवर्क में भी इनके पास अवेलेबल थे तो वेराइटी बहुत ज़्यादा थी प्राइस रेंज की बात करें तो प्राइस रेंज चेंज ऑलमोस्ट चालू हो जाते ट्वेल्व हंड्रेड से लेकर ट्वेंटी फाइव हंड्रेड की रेंज में नेक्स्ट अभी जो मैं आपको सारे ड्रेसेस दिखा रही हूँ ना ये सारे एज यूजल वर्क वाले ड्रेसेस थे और इनकी प्राइसिंग चालू हो रही थी सिक्स सिक्स फिफ्टी से आई मीन ये आपको लास्ट प्राइस ना सिक्स फिफ्टी या सेवन हंड्रेड कोट करेंगे उससे ज़्यादा आप यहाँ पे बिल्कुल भी पे मत करना इन लहंगों की बात करें तो इन लहंगों के नीचे जो लहंगा है ना वो उपाड़ा सिल्क वगैरह बोल दो उस मटीरियल का होता है बनारस वगैरह इस मटीरियल का तो ये वाले लहंगे थोड़े कम प्राइस ही होते हैं जैसे इनकी प्राइस रेंज आपको ट्वेल हंड्रेड में आपको पूरा लहंगा मिल जाता है या फिर फिफ्टीन हंड्रेड में भी मिल जाता है अलग अलग वेराइटी होती है किसी पे अच्छा खासा दुपट्टा हो तो उसकी प्राइस थोड़ी बढ़ जाती है वेलवेट में भी बहुत ज़्यादा सुंदर कलेक्शन देखने को मिलेगा और ऑर्गेंसा में तो बहुत ही ज़्यादा वेराइटी आई हुई है गाइस मैं कोशिश कर रही हूँ आपको इस वीडियो में ना दुकान दिखाऊं एंड जहाँ पे एग्जैक्ट वो दुकान है उसके बाहर जो स्टॉल लगाए ना वो दिखाऊं जिससे आपको भी एक रफ आइडिया मिलेगी कि इस लेन में कहाँ क्या है वैसे मैंने सिर्फ ये एक ही पर्टिकुलर लेन कवर की है फर्स्ट वीडियो में मैंने राइट साइड का कवर किया था एंड इस वीडियो में मैंने लेफ्ट साइड का कवर किया तो इतना कंफ्यूजन तो कुछ होगा नहीं बट फिर भी मैं मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि मैं आपको एग्जैक्ट दिखाऊँ कि कहाँ पर क्या है नेक्स्ट यहाँ पे मैं आपको और लहंगे दिखा रही हूँ इन सब के ऊपर ना मिरर वर्क क्या हुआ था जो रियल मिरर्स थे वो फ्लेयर की बात करें तो इनका अच्छा खासा थ्री मीटर्स का फ्लेयर रहता है लहंगों का ब्लाउज़ आपको मिल जाता है अच्छा खासा विद दुपट्टा आपको ये सारे मिलने वाले पेस्टल शेड्स भी आपको मिल जाएंगे प्लस ब्राइट कलर्स भी यहाँ पे अवेलेबल है नेक्स्ट ये स्कर्ट की प्राइस उन्होंने मुझे थ्री हंड्रेड कोड की थी बहुत ही ज़्यादा सुंदर स्कर्ट थी इसमें दो कलर्स ऑप्शन दो कलर ऑप्शन थे और बहुत सारे थे इनके पास लहंगे भी मिल रहे थे जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थे बात करें इनके प्राइस रेंज की तो इनकी प्राइस रेंज भी बहुत ही ज़्यादा कम थी एज़ यूज फिफ्टीन हंड्रेड से स्टार्ट हो रहे थे फिर मुझे ना और लहंगे चेकआउट किए गए आप लोगों की बहुत क्वेरी आती है कि प्लीज़ लहंगों का वीडियो बनाओ तो मेरे जो भी वीडियोस होते ना वो लेटेस्ट ही होते हैं जैसे मतलब मैं जिस वीक में वो वीडियो बनाती हूँ ना मैं उसी वीक में वो वीडियो अपलोड भी करती हूँ सो so प्लीज़ मेरे सारे वीडियोस लेटेस्ट होते हैं मैं दो दो महीने पुराने या फिर एक एक महीने पुराने वीडियोस यहाँ पे पोस्ट नहीं करती जो लेटेस्ट होता है मैं वही शेयर करना प्रिफर करती हूँ आपके साथ ताकि क्योंकि एक हफ्ते में तो कोई पूरा स्टॉक चेंज होने वाला है नहीं इसलिए आप भी आराम से अगर मेरा वीडियो आपको दो तीन दिन लेट मिले ना बट फिर भी आप उस मार्केट में जाइए एक्सप्लोर करके आइए आई एम श्योर जो मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ ना वो सब कुछ एज इट इज़ वहाँ पर आपको दिखेगा बैस यहाँ पे ना आपको ब्लाउजेस का कलेक्शन भी मैं दिखा रही हूँ मैं एक वीडियो पूरा डिटेल लेकर आऊँगी जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ़ ब्लाउजेस का कलेक्शन दिखाऊँगी अभी जो मैंने ब्लाउजेस दिखाए थे ना उनकी ही वो स्टोर है मेधा करके उनके पास बहुत ही ज़्यादा सुंदर ब्लाउजेस देखने को मिलेंगे आपको इनकी प्राइस चालू हो जाती है सिर्फ़ और सिर्फ ट्वेल्व हंड्रेड से तो वैरायटी बहुत ज़्यादा है अगर आपको डिज़ाइनर ब्लाउजेस चाहिए उनकी सो so, मैं वो वीडियो भी अपलोड जरूर करूँगी अपने चैनल पर नेक्स्ट वीडियो शायद वही आने वाला है सो स्टेट ट्यूड तो चलो इस वीडियो को और कंटिन्यू करते हैं आपको ना यहाँ पे रोड साइड भी ब्लाउजेस देखने को मिल जाएंगे और इनकी प्राइसिंग चालू हो जाती है 250 में अगर आपको कॉटन मटेरियल चिकन मटेरियल में ब्लाउजेस चाहिए तो वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे स्क्रीन पे मैं प्राइस मेंशन कर रही हूँ इनकी स्टार्टिंग प्राइस क्या होने वाली है यहाँ पे रॉ सिल्क बेस मिल जाता है आपको सिल्क बेस मिल जाता है कॉटन मिल जाता है ऑर्गैनसा मिल जाता है वेलवेट मिल जाता है तो ये सारे बेस होते हैं इनके उसके ऊपर आपको कभी मिरर वर्क मिल जाता है कभी फॉल्ट मिरर वाला मिल जाता है कभी रियल एक्चुअल मिरर हो गया या फिर प्योर कॉटन मटेरियल में सिर्फ सीक्वेंस का वर्क हो गया तो हर वेरा हर एक वेराइटी का ब्लाउज यहाँ पे आपको मिल जाएगा किसी किसी के ऊपर तो हैंड वर्क भी किया हुआ होता है बीट्स वर्क भी आरी वर्क भी किया हुआ रहता है तो सब ब्लाउजेस आपको यहाँ पे स्ट्रीट शॉपिंग में भी मिल जाएंगे तो अगर आपको स्ट्रीट शॉपिंग से लेना है तो आप स्ट्रीट से ले सकते हो अगर आपको किसी स्टोर से लेना है तो आप किसी स्टोर से ले सकते हो ब्राइडल में अगर आपको लेंगे ब्लाउजेज़ चा, चाहिए तो वो भी यहाँ आप पे आपको मिल जाएंगे इतनी सुंदर सुंदर वैरायटी मुझे स्ट्रीट शॉपिंग में मिलती है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ मुझे हमेशा स्ट्रीट शॉपिंग करना बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है क्योंकि हर एक चीज़ इतनी ज़्यादा अफोर्डेबल यहाँ पे मिल जाती है वैरायटी हो कलेक्शन हो सब कुछ यहाँ पे बहुत अच्छा मिलता है नेक्स्ट गाइस मैं इस वीडियो में ना ये वन पीस का स्टॉल वापस एक बार आपको दिखाना चाहूँगी ये दादर सूरती फरसान के बाहर एक स्टॉल लगता है जहाँ पे आपको क्यूट वन पीस मिल जाते हैं सिर्फ और सिर्फ थ्री फिफ्टी में ये अंकल अभी जो भी आपको वन पीस दिखा रहे हैं ना ये सारे प्योर कॉटन मटेरियल के थे इतने कम्फर्ट रहते हैं अभी वैसे भी गर्मियाँ स्टार्ट हो गई है तो उन गर्मियों में ना ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे रहने वाले हैं कंफर्टेबल रहने वाले अगर आपको यहाँ पे स्लीवलेस चाहिए शॉर्ट स्लीव्स चाहिए थ्री फोर स्लीव्स चाहिए तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से पिक कर सकते हो वेराइटी बहुत ज़्यादा है कलर ऑप्शन भी बहुत ज़्यादा है प्लस यहाँ पे आपको साइजेस भी मिल जाती है जैसे इस ब्लैक वाले में आपको डबल एक्सल ट्रिपल एक्सल की साइज़ मिल जाती है एंड जिनमें वेस्ट पे इलास्टिक होना वो आपको अच्छे से बड़ी साइज़ में भी अच्छे से फिट हो सकता है वैरायटी की बात करूँ तो इनके पास आपको डेनिम में भी कलेक्शन देखने को मिलेगा बॉडी सूट में भी आपको देख... कलेक्शन देखने को मिलेगा बाकी सारे के सारे ना मुझे कॉटन मटीरियल जैसे ये वाला जो पूरा ड्रेस था ना वन पीस वो मुझे कॉटन मेटेरियल में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा एंड ये जो भी अंकल दिखा रहे हैं ये सारे लेटेस्ट हैं तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी क्योंकि बाकी मार्केट्स में क्या होता है हमको बार्गेन करवाना पड़ता है एंड यहाँ पे आपको फिक्स थ्री फिफ्टी रुपीज़ में यहाँ पे वन पीस देखने को मिल जाते हैं नेक्स्ट एक स्टॉल था यहाँ पे आपको पैंट्स वगैरह मिल जाते हैं कभी कभार इनके पास कुछ ऐसा मिल जाता है जो बहुत ही महंगा रहता है ना आपको इतने सस्ते भाव में मिल जाता है वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से साइज़ इनके पास साइजेस लिमिटेड रहते हैं मीन जो साइज़ होती है वही अगर आपको फिट हो तो आप ले सकते हो सो so, आप नेक्स्ट टाइम अगर विजिट करो तो चेक जरूर करना कलेक्शन मुझे तो बहुत अच्छा लगता है एंड बात करें इन लहंगों की तो अगर आपको सिर्फ लहंगे शॉपिंग करने के लिए आना है या फिर कुर्ता से शॉपिंग करने के लिए आना है ना तो मैं आपको हाईली यह आप मार्केट रिकमेंड करूँगी क्योंकि यहाँ पे बहुत सुंदर लहंगे मिलते एंड दादर ईस्ट मार्केट हो या दादर वेस्ट दादर ईस्ट को हिंद माता मार्केट कहते हैं वहाँ पर भी आपको लहंगे देखने को मिल जाएंगे लेकिन आपको अगर ज़्यादा कलेक्शन देखना है तो दादर का ये वेस्ट मार्केट जरूर चेकआउट करना नेक्स्ट यहाँ पे आपको ब्रालेट्स भी देखने को मिल जाएंगे स्टार्टिंग फ्रॉम द रेंज ऑफ जस्ट रुपीज़ वन फुटवेयर की बात करते हैं तो चलो यहाँ पे आपको फुटवेयर भी देखने को मिल जाता है जिनकी प्राइसिंग चालू होती है सिर्फ और सिर्फ टू में इनके पास टू वाले फुटवेयर भी अवेलेबल थे आई मीन इनके पास सारे मिक्स थे तो आपको जो अच्छा लगे उसकी प्राइस आपको पूछ सकते हो एंड वो आपको इसकी प्राइस बता देंगे सो गाइस आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा हो इस वीडियो में मैंने सब कुछ कवर करने की कोशिश की आप पार्ट वन भी ज़रूर देखना है एंड ये पार्ट टू भी जरूर देखना तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा हो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो देन प्लीज़ मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना चलो मिलते हैं अगले वीडियो में टिल देन बी सेफ बाय